वहीं पखांजूर जिले में 5 लाख की इनामी डिप्टी कमांडर समेत 3 महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तीनों महिला नक्सलियों पर 7 लाख का इनाम भी घोषित था। इन नक्सली महिलाओं ने 94 बटालियन BSF के DIG के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। ये नक्सली लंबे समय से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय थे। वही आत्मसमर्पित नक्सलियों में मोती पोयाम उर्फ यमला 25 वर्ष की है जो कि, और संचला मंडावी जो कि 21 वर्ष की है, और लक्ष्मी पद्दा जो कि 20 वर्ष की है। बता दें कि मोती पोयाम पर 5 लाख, संचला मंडावी और लक्ष्मी पद्दा पर 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित थी। जैसे हमने बताया था कि पहली महिला नक्सल जो जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है वो मोती पयाम है, और ये जो है मोती पयाम जो है ACM है, डिप्टी कमांडर गट्टा LOS की, लगभग 25 वर्ष की, और सन 2015 से सक्रिय है। दूसरी जो है वो संचला मंडावी है, ये सदस्य रही है टेलर टीम जो होती है इनकी, गट्टा रूरल डिवीजन की, क्योंकि 21 वर्ष की है और सन 2020 में इन्होंने नक्सली आंदोलन ज्वाइन किया था। और लक्ष्मी पद्दा जो है वो मेढ़की LOS की सदस्य हैं, जो इनकी उम्र 20 वर्ष है और ये सन 2019 से सक्रिय है। इनके साथ वेपन्स नहीं, इन्होंने विदाउट वेपन सरेंडर किया है जी। ये वहां से क्योंकि ये परेशान हो गए थे वहां से, और इन्होंने बताया तो ये नक्सलिज्म छोड़ के मुख्य धारा में शामिल होना चाहते, इस वजह से वोट करा।